हेलो स्टूडेंट्स कल के कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एक्साइटेड बाय द गैस एंड आरएमएस वेलोसिटी और वो रिलेशन क्या था हमारे लिए पी दैट इज इक्वल टू वन बाय थ्री एन एम बाय कैपिटल वी वी बार स्क्वायर ठीक है मैंने लास्ट टाइम बताया था सभी क्वांटिटीज के बारे में ये होता है प्रेशर ऑफ गैस होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ये होता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल यह होता है वॉल्यूम ऑफ गैस और यह होता है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ओके तो अब हम लोग देखेंगे कि आरएमएस का, आरएमएस का गैस के मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है ओके okay. तो इस इक्वेशन को अगर हम लोगों ने रीअरेंज किया ओके okay? रीअरेंज किया और लिखा वी बार स्क्वायर तो वो आ जाएगा थ्री पी वी अपॉन एन एम है ना ये वी इधर चला जाएगा थ्री इधर चला जाएगा ये एन नीचे आ जाएगा एम भी नीचे आ जाएगा ठीक है बट हमको मालूम है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी देर फोर वी बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री एन आर टी अपॉन एन एम ठीक है।, <coughs> है ना एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवेग्रोज नंबर है ना एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवेग्रोज नंबर तो यहां पे अगर हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया यहां से अपने को क्या मिलेगा स्मॉल एन बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू वन बाय एन ए है ना ये एन नीचे आ गया तो तो देयर फोर वी बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री आर टी अपॉन ए इंटू एम है ना थ्री आर टी बायू एम क्लियर अब लेकिन मॉलिक्यूल समझ रहे हो एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल एम और ऐसे कितने Na. तो देर फोर एम इंटू एन एट इज नथिंग बट मोलर मास रिलेशन एन एम इन टू एन ए दैट इज इक्वल टू एम नॉट तो यहां पर हम लोगों ने सब्सिट्यूट किया तो so, क्या मिलेगा हमको देर फोर वी बार स्क्ट इज इक्वल टू थ्री आर टी बाय नॉट टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड तो अपने को मिलेगा रूट ऑफ वी बार स्क्वाट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी बाय एम नॉट लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं वी RMS. उसको क्या बोलते अपन रूट, तो रूट मीन स्क्वायर ये था ये था रूट तो नॉट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसको नोट डाउन करके रखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको नोट डाउन करके रख लो वी आर एम एस इक्वल टू बाय एम नॉट एम नॉट क्या होता है मोल मास अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आर और एम नॉट ये कांस्टेंट है है ना तो देर फोर हम लोग यहां से लिख सकते हैं वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आर एम एस वेलोसिटी भी बढ़ेगा उल्टा भी ट्रू है अगर आर एम एस वेलोसिटी बढ़ता है तब टेम्परेचर भी बढ़ेगा ओके okay, क्लियर आया सभी को ध्यान में आया ओके okay. तो जब गैस को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ता है हम लोग यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं ओके तो तुम जब भी गैस को हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ईन ए काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसके वजह से उनकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ा तो उसके वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा आर एम एस वेलॉसिटी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा समझ में आया सबको क्लियर है ध्यान में है सबको ये तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है खास करके सीईटी के लिए तो वहां पे नोट डाउन करके रख लो ठीक है सीई के लिए पहला चीज ओके okay. वन बाई थ्री एन एम बाई वी वी बार स्क्वायर ठीक है कुछ बुक्स में तुमको दिखेगा वन बाई थ्री एन एम बाई वी वी आर एम एस स्क्वायर ठीक है ये पहला चीज दूसरा चीज ठीक है एन इंटू एम दैट इज कैपिटल एम मास ऑफ गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू मास ऑफ गैस तो देर फोर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया वन बाय थ्री एम बाय वी वी आर एम एस स्क्वायर ठीक है तीसरा फॉर्मूला मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू रो रो यानी डेंसिटी ऑफ गैस अगर ये सब्सिट्यूट किया है यहां पर दे आर फोर प्रेशर इज इक्वल टू वन बाई थ्री रो वी आर एम एस स्क्वायर तो ये एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन तीन इक्वेशन याद रखना है ठीक है तीनों इक्वेशन नोट डाउन कर लो अपने सीईटी के पॉइंट्स के लिए क्या करना है सीई के पॉइंट्स एक पेज पे लिखना है और वो अपने नोट्स में या जो नोट्स दिए गए हैं या टेक्स्ट बुक है उसमें स्टेपल करके रख देना है ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें अब अब हम लोगों को निकालना है एनर्जी ऑफ गैस ओके एनर्जी ऑफ गैस एनर्जी ऑफ गैस जो रहेगा वो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है ये okay, ओके कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ठीक है उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा ये वाला P इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम बाई वी वी आर एम एस स्क्वायर देर फोर थ्री पी वी इज इक्वल टू एम वी आर एम एस स्क्वायर थ्री उधर पी उधर थ्री उधर और वी उधर ठीक है दोनों साइड से टू को डिवाइड किया दोनों साइड से टू को डिवाइड किया तो ये बन गया हाफ एम वी आर एम एस लेकिन इसको क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ना चाहिए उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस दे आर फोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू थ्री बाई टू पी वी टिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू थ्री बाई टू पीवी ओके तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ठीक है अब इसी इक्वेशन को यूज कर करके हम लोग अलग अलग प्रकार के काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये सब सीट के लिए इंपॉर्टेंट ओके okay? तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ट इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस है ना अब वॉट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अभी लिखा है हम लोगों ने थ्री बाई टू पी वी अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस वी कैंसल तो आंसर इज थ्री बाई टू पी तो अगर तुमको बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस तो थ्री बाई टू पी वी और तुमको बोला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो तुम लिखोगे थ्री बाई टू पी समझ में आया सबको दूसरा ओके काइनेटिक एनर्जी पर मोल या फिर किलोमोल कितना ओके okay. तो इसका फॉर्मूला क्या आएंगे नेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स है ना पर मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स व्हाट इज कैनेटिक एनर्जी ऑफ गैस थ्री बाई टू पी वी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एन लेकिन थ्री बाई टू पी वी यानी क्या होता है एनआरटी अपॉन एन पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना तो एन एन कट तो आ जाएगा थ्री बाई टू आरटी तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल या पर किलोमोल थ्री बाई टू आरटी ठीक है अब इसमें याद क्या रखना अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा तो आर का वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर मोल केल्विन लेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पूछा तो आर का वैल्यू एट थ्री वन फोर जूल पर किलोमोल केल्विन लेंगे वैल्यूज ध्यान से लेना है क्योंकि देखना है पूछा क्या है पर मोल पूछा तो आर का वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर पर किलो मोल पूछा तो आर का वैल्यू एट थ्री वन फोर ठीक है तीसरा कलर कलर तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ओके तीसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आएगा फॉर्मूला इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ गैस ठीक है इसको थोड़ा सा आपने को इधर लिखना पड़ेगा थ्री बाई टू पी वी अपॉन मास ऑफ गैस एम ठीक है नाउ थ्री बाई टू यहां पे लिखता हूं थ्री बाई टू एन आर टी अपॉन एम ठीक है अब देखो यहां पे इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास है ना ये तो हमको पता ही है तो यहां से एन अपॉन एम दैट इज वन अपॉन एम जीरो है ना ये एम नीचे चला गया तो तो यहां पे अगर सब्सटीट्यूट किया अपन ने तो आ जाएगा थ्री बाई टू आर टी बाय एम नॉट किसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ठीक है चलो लास्ट पे आते हैं चौथा वाला काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये सब लिखना है आप लोगों को क्योंकि ये मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है मॉड्यूल में भी नहीं दिया है तो लिख के रख लो ओके नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना है थ्री बाई टू पी वी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन ओके पी वी यानी क्या होता है एनआरटी बाय सॉरी एनआरटी आएगा पी वी की जगह अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे यहां पे फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन ये फॉर्मूला है तो अगर ये स्मॉल एंड नीचे कैपिटल एंड नीचे चला गया तो बचेगा तो क्या आ जाएगा यहां पे पर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आर कॉन्स्टेंट है एन ए कॉन्स्टेंट है ना इसमें से आर भी कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू मालूम है तुमको एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर मोल कैलविन है ना आर की वैल्यू पता है हमको एन ए एवेक नंबर दंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन टू पॉइंट ट्वेंटी थ्री यह वैल्यू भी फिक्स है ये आर कौन्स्टेंट, कौन्स्टेंट, तो जो आर अपॉन एन ए होता है नया कॉन्स्टेंट स्मॉल के बी के बी पढ़ते उसको कुछ बुक्स में कैपिटल भी दिया होगा के बी तो इसका फॉर्मूला बन गया थ्री बाई टू के बी टी के यानी के बी यानी क्या होता है, ये के बी है. बी को हम लोग बोलते हैं बोल्ड्समन कॉन्स्टेंट ओके बोल्डसमन कॉन्स्टेंट तुम्हारे लिए हो होमवर्क है होमवर्क यह है कि इस बी का वैल्यू निकालना ओके बी का वैल्यू कैसे निकलेगा बी का वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू क्या डालोगे 8.314 और ए की वैल्यू डालोगे सिक्स पॉइंट थ्री ठीक है पहला होमवर्क इसका वैल्यू निकालो आधा तो काम कर ही दिया है दूसरा होमवर्क के ओमवर्क का यूनिट निकालो दूसरा होमवर्क ओमवर क्या का यूनिट निकालो तो के बी का यूनिट तो निकाल लेना है दैट इज योर सेकेंड होमवर्क ठीक है समझ में आया सबको यहां तक ओके okay? तो ये सारी चीजें थी आज के डिस्कशन में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का और पार्ट पढ़ेंगे ओके okay? और तब हम लोग आर एम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और वेरियस एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग और आगे इसके आज के लिए इतना बहुत अच्छे से पढ़ना है ये सारे फॉर्मूले थ्री बाई टू के बी टी थ्री बाई टू आर टी बाई एन जीरो थ्री बाई टू आर टी थ्री बाई टू पी थ्री बाई टू पी वी प्रेशर के ये तीन फॉर्मूलेस ये सब बहुत अच्छे से याद रखना है ओके okay?